सगाई की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन वर्मा जी आपको। शादी होने तक डिवोर्स के लिए हमें रुकना पड़ेगा। वैसे भी संजू और टिया ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो मेरा आप सबसे एक सजेशन था, क्यों ना ये रोका हम जल्द से जल्द कराएं। मैं तो कहती हूँ आज शाम को ही कर लेते हैं। आज शाम को? बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? आई मीन रोके में थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है ना भाभी जी। रोके में करना ही क्या है, यही फैमिली मेंबर्स तो होंगे, लड़का लड़की को शगुन देंगे बस, और लड़का और लड़की को एक दूसरे के लिए रोक दिया जाएगा, दैट्स इट। और जब लड़का और लड़की राजी है तो नेक काम में देरी क्यों? भाभी आपने फैमिली और लड़की की जांच पड़ताल तो कर ही दी है ना, और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, फिर शुभ काम में क्या देरी, कर लेते हैं। क्या बोलते हो संजू, तैयार हो तुम? कर ले शाम को रोका। जैसा आपको ठीक लगे। प्लीज बिगड़ों को रोकिए ना, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। मम्मी पापा मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं नीचे भी नहीं गया। मुझे परागी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पापा प्लीज ऐसे खड़े मत रहिए, कुछ करिए। ये रोका होने से पहले इन्हें रोकिए प्लीज। मैं संजय और सुषमा जी दोनों से बात करने की कोशिश कर चुका हूँ आशी, पर वो लोग नहीं रुके। लगता है संजय ही परागी के काबिल नहीं है, और परागी संजय से बेटर फैमिली और लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। What? आज रोका भी कर देंगे? हाँ परागी, अब तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो, यही तो प्लान था तुम्हारा। संजू मुझे ये पता था कि चाचा चाची सब कुछ फास्ट फास्ट करेंगे, लेकिन आज ही रोका कर देंगे ये सरप्राइजिंग है। And I'm sure. का प्लान सिंपल है, जल्दी जल्दी सब कुछ बस खत्म करना है उन्हें, और इस बात से प्रूव होता है कि उनके मन में चोर है। परागी ये बात तो मैं पता है कि चाचा चाची जल्दी क्यों कर रहे हैं, पर ये वर्मा फैमिली का क्या है, उन्हें किस बात की जल्दी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा परागी, कोई तो बात है। और उटिया, वो भी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। तो तुम उसके इतना करीब चले गए कि तुमने सब कुछ नोटिस भी कर लिया। वेल डन संजू। ये कैसी बात कर रही हो तुम, मैं किसी के करीब अरीब नहीं गया हूँ, जो बात है बस वही बता रहा हूँ, और फिर से तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। अच्छा सब ठीक है, नहीं कहूंगी कुछ। ओके अब मुझे आगे का प्लान सोचने दो, बाद में बात करती हूँ, बाय। एक मिनट। क्या? जो मन में आ रहा है करवा रही हो, उसकी फीस कौन देगा? मुझे एक किस चाहिए संजू। नहीं नहीं ये किस डिक्लाइन हो गई, एक काम करता हूँ मैं वही किस लेने आता हूँ। नहीं 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 अभी तुम इसी किस से काम चला, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी परु तुम्हारे सामने होने वाली है। तब तक वेट कैसे करूँगा? पता नहीं। ओके बाय। Congratulations and celebrations. Baby, ये तुम्हारे जीत के नाम। Thank you. और ये तुम्हारे नए बिजनेस के नाम।
और ये तुम्हारी उस कलाकारी के नाम जिससे तुमने उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट बदली थी। थैंक यू वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। बेबी हमारा है ना बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हम चाहते हैं, और तुम देखना आज रोका भी वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा था। ब्रो अभी किससे बात कर रहे थे? चल क्या रहा है ये? आपने मेरे सामने भाभी से प्रॉमिस किया था भूल गए? और आप क्या कर रहे हो दिया को किस? जी जी बिक्रो मेरे लिए एक ही लड़की मेरी भाभी हो सकती है, वो है परागी भाभी, समझे आप? उनके जैसा कोई नहीं है और ना वो कभी गलत हो सकती है। और आपको पता है इस घर में आपको कोई ना रोक पाए लेकिन मैं रोकूंगा। सबसे पहले उस टिया का नंबर आपके फोन से डिलीट करके लाओ। फोन दो। अबे मेरी बात सुनो। अबे लास्ट कॉल परागी भाभी। क्या कर मतलब ये सब नाटक हो रहा था? धीरे बोल यार। थैंक यू बिग ब्रो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है सब चल क्या रहा है। सॉरी अबे, मैं तुझे कैसे बताऊं कि ये नाटक तेरे मम्मी पापा की वजह से करना पड़ रहा है। जल्दी तुझे सब पता लग जाएगा। अबे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और एक प्रॉमिस भी चाहिए, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, गलती से भी नहीं। देख ब्रो, जब तक परागी भाभी की जगह कोई और नहीं ले रहा ना, तब तक मेरा मुंह नहीं खुलेगा, प्रॉमिस। परागी की जगह कोई नहीं ले सकता, अबे कोई भी नहीं। जीजू मैं घुमा फिरा कर नहीं, साफ साफ बोल रही हूँ, अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहूंगी। अपनी नौकरी बचाने के लिए जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। तो फिर ठीक है, अपनी टीम को रेडी कीजिए, एक स्पेशल इनवाइट पे जाना है। वर्मा जी आइए आइए। नमस्कार 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 भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। वर्मा जी ये मेरे बड़े भाई साहब संजू के पिता। नमस्ते नमस्ते। सुबह तो आपसे मुलाकात हो नहीं पाई, चलिए अब हो गई। अरे बहन जी इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी, आज तो बस रोका है। बहन जी टिया हमारी इकलौती बेटी है, उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं। भाभी अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, और कौन सा हम रखने वाले हैं, लौटा देंगे किसी ना किसी बहाने से। लो संजू भी आ गया। संजू वर्मा जी तो अब संजू भी आ गया तो रोका शुरू करें। हाँ हाँ चलिए आइए जी। अच्छा सर काश ऐसी कोई अड़चन आ जाए ना कि ये रोका हो ही ना। आशी दी आई विश जैसा आप बोल रहे हो ना भगवान वैसा ही करे। रुको रुको रुको। ये फंक्शन नहीं हो सकता।
तुम अमीन इंस्पेक्टर साहब आप और क्यों क्यों नहीं हो सकता ये फंक्शन? क्योंकि संजय पाठक शादीशुदा है। आज छुपकर फंक्शन करवा रहे हो, कल शादी करवा लोगे। और इतना कानून तो आपको भी पता होगा ना कि एक शादीशुदा आदमी की दूसरी शादी कानूनन जुर्म है। अच्छे से देख लीजिए, यहां शादी नहीं सिर्फ रोका किया जा रहा है। मैडम देखकर ही कह रहा हूं, और ये जो रोके के नाम पे इतने महंगे महंगे तोहफे गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं ना, साफ पता चल रहा है दहेज के लिए दूसरी शादी की जा रही है। दहेज लेना या देना दोनों ही जुर्म है। संजू, हमारे पास सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन है। प्लान अगर सक्सेसफुल करना है तो हमें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। तो अब आप हमारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, इलीगल शादी का केस बनाएंगे, दहेज का केस बनाएंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज रुकिए, आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप इस तरह से नहीं लेके जा सकते। प्लीज आप पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए, पीछे जाइए। माँ आप ऐसा नहीं कर सकते, देखिए हम लोग एजुकेटेड लोग हैं और हमारे घर में आप फंक्शन में आकर इस तरह से बाधा नहीं डाल सकते। देखिए रिलेटिव्स आए हुए हैं हमारे घर पे और उनके सामने आप हमारी बस। इंस्पेक्टर साहब आराम से, माँ प्लीज इनको इनका काम करने दीजिए, हम ऐसे इनके काम में दखलअंदाजी नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब बैठकर बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि संजय पाठक आप क्या बात करेंगे, कानून का मजाक बना रखा है आपने, मतलब पैसे वाले हैं तो कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे। सर आप गलत समझ रहे हैं, आपको हमारे खिलाफ कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। अरे इन्फॉर्मेशन का क्या है, जो है हम सब सामने देख रहे हैं। पापा मैं मानती हूँ कि संजू का प्रॉपर डिवोर्स नहीं हुआ है और ऐसे में रोका नहीं होना चाहिए, पर पुलिस आई है उसे अरेस्ट करने, हम उसे ऐसे अरेस्ट नहीं होने दे सकते ना। ये कानूनी हिसाब किताब है बेटा, इसमें हम बीच में नहीं बोल सकते। ताऊ जी एक बार आप बोल के तो देखिए, पुलिस वाले आपकी बात मान जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी जगह सही है लेकिन शांति से एक बार बात सुन लीजिए। देखिए आप बीच में मत बोलिए, हमारा टाइम मत वेस्ट करिए, यहाँ खुलेआम दहेज लिया जा रहा है, हमें इसकी वीडियो बनानी है। प्रशांत जी जाओ, एक एक आइटम नोट करो और अच्छे से वीडियो बनाना। एक मिनट भाई साहब, आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं उन्हें कॉल करता हूं जिन्हें ये दिन में 10 बार सल्यूट करते हैं, उनका एक कॉल आएगा ना तो इस इंस्पेक्टर को भी जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। देखिए हम तो कानून को मानने वाले हैं और मेरी बेटी ने डिवोर्स फाइल कर दिया है, लेकिन मैंने अब तक डिवोर्स दिया तो नहीं है। हमने जो डिसाइड किया है वो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी संजू, बट तुम्हें ये करना ही होगा। सॉरी माँ।
आपके देवर जी ने चोट ही ऐसी दी है जिसके इलाज के लिए हम सबको कड़वी दवाई का घूंट पीना ही पड़ेगा। जब दुश्मन अपने हो तो नाटक भी अपनों के सामने ही करना पड़ता है। देखो अतुल, अदिति के मिस्टर हुडबुड दबंग को अभी परागी के हिसाब से ही काम करना होगा, परिवार के खिलाफ। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा अतुल, ताकि सारे पैसे हमारे पास रहे। तुम सही कह रहे हो शिवा, कुछ तो करना पड़ेगा। 100% जो भी करना है शांति से चुपचाप करना होगा। परागी को कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए, वरना सारे पैसे लौटाने पड़ जाएंगे। और अच्छाई और ईमानदारी का लेक्चर सुनना पड़ेगा वो अलग। इसीलिए मैं कह रही हूं, मम्मी जी इंस्पेक्टर, संजय और मैं अभी भी पति पत्नी हैं। कानूनी रूप से हमारा डिवोर्स अब तक नहीं हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो डिवोर्स पेपर दिखा दीजिए ऑफिसर को। मिस्टर संजय पाठक, बहुत जल्दी है ना आपको दूसरी शादी करने की, तो जल्दी से पेपर्स भी दिखा दीजिए। आप लोगों ने संजय की दूसरी शादी करवाने से पहले ये तक नहीं सोचा कि आप ऑलरेडी एक पराई बेटी को अपने घर ला चुके हैं। अगर उससे कोई गलती हो गई तो ये जान तो लीजिए कि वो सही है या गलत। कल को आपको ये पता चले कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे अगेंस्ट एक प्लानिंग थी, और आप यहाँ चोरी छुपे संजय की दूसरी शादी करवा रहे हैं, तो सोचिए ना, एक बार में 3 जिंदगियां बर्बाद होने की जिम्मेदारी किसकी होगी। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि बहू से एक चूक हो जाए तो बेटे की दूसरी शादी करवा दी जाती है। बस करो परागी, बहुत बोल ली तू। हमारे घर में जो पुलिस को लाकर तुम कानून की दुहाई दे रही हो, इसे कौन से कानून में लिखा है कि डिवोर्स फाइल करने के बाद एक लड़का एक लड़की से नहीं मिल सकता। हम शादी तो नहीं कर रहे ना, बस दो फैमिली आपस में मिल रही है। अपने आईएएस के रुतबे का धौंस देने आ गई पुलिस लेकर हमारे घर। अरे मेरी बेटी की सारी खुशियां तो तुम छीन चुकी हो, अब तो उसे चैन से जीने दो। भाभी जी, इसके ऑफिस वालों ने इसकी हरकतें देखकर इसे छुट्टी पर भेज दिया है, और बहुत जल्द ये सस्पेंड भी हो ही जाएगी। मैं यहाँ पर एसडीएम ऑफिसर होने के नाते नहीं, बल्कि एक पत्नी होने के नाते आई, और शिकायत भी मैंने पत्नी होने के नाते ही की है। अब तक संजय और मेरा तलाक हुआ नहीं है, तो फिर ये दूसरी शादी कैसे कर सकता है। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा संजय। इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड संजय और इस लड़की को अरेस्ट कर लीजिए, ये भी इसमें शामिल है। ये जानते हुए कि संजय एक शादीशुदा आदमी है, ये भी ऐसा कैसे कर सकती है। प्रमोद जी, ये क्या हो रहा है? यहाँ मेरी बेटी को अरेस्ट करने की बात हो रही है। आपको पहले अपना फैमिली मैटर सॉल्व करना चाहिए था, उसके बाद हमें रोके पे बुलाना चाहिए था। वर्मा जी प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूं। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं संजू और टिया की शादी करवा कर ही रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और संजू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है,
तुझे बहुत जल्द मैं बाहर निकाल लूंगा। क्या कर रही हो तुम? क्या तमाशा कर रही हो तुम यहां पर? ठीक नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तुम मेरी फैमिली को इंसल्ट कैसे कर सकती हो परागी? इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट कीजिए और इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए।